हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हमारी जो FLI गाड़ी होती है, नंदी क्रांति और केरला गाड़ी का गियर बॉक्स है। इस गाड़ी के गियर बॉक्स की पूरी कंप्लीट फिटिंग की जाएगी। जब भी हमारी गाड़ी गियर भगाती हो, किस वजह से भगाती है और हमारी गाड़ी क्लच प्लेट ज्यादा दिन क्यों नहीं चलती, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई। कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना या चैनल के अबाउट में हमारा नंबर है, वहां पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना कि किस तरीके से हमें ये कमी अपनी प्रॉब्लम ठीक करें। गियर भगाने वाली गियर जो गेरी गाड़ी चलते चलते गियर फेंक देती है, और हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट अच्छे से क्यों नहीं चलती, और इन गाड़ी का क्लच प्लेट का पिकअप अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी लेस आफट होती है और ये हमारा चेंजर होता है। इस गाड़ी में जो हमारी गियर फेंकने की प्रॉब्लम होती है, ये इसी वजह से होती है कि हमारा चेंजर कट जाता है। तो हम इस गाड़ी का वो पहले वाला चेंजर दिखाएंगे और चेंजर और लेस आफट दिखाएंगे। तो नई है, लेस आफट भी नई है और चेंजर भी नया है। हम इसका पुराना चेंजर और लेस आफट दिखाएंगे कि कितना कट चुका है। तो दोस्तों देखो, ये इसका पहला चेंजर है जो इस गाड़ी के अंदर था। देखो ये यहाँ से कितना कट चुका है। देखो यहाँ से इस कमी से गाड़ी क्या करेगी, पहला टॉप गियर दूसरा गियर भगाने लग जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, नई ही लेस आफट यूज करनी पड़ेगी, जो कि हमने इसमें NP कंपनी की लेस आफट यूज की है। और जब भी आप चेंजर यूज करेंगे, वो KPI का ही चेंजर यूज करना, क्योंकि ये इनका इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और इसमें गोली स्प्रिंग लगा करके इसमें डाल करके चेक कर ले अपनी गरारियों को। और उसके बाद ये जो हमारा गियर यू होता है, इसके अंदर दो हमने चेंजर छी डाल दी गई है, और इस तरीके से आपने फिट करना भाई इसको। थोड़ी सी भी गलती मत करे आप, स्टेप बाय स्टेप करते रहे। अगर आपकी गाड़ी में गियर फेंकने की प्रॉब्लम है, अच्छे से गियर नहीं लगते हैं, FLI गाड़ी क्रांति नंदी केरला में, तो आपने अपनी गाड़ी का चेंजर ही चेंज करना पड़ेगा, और साथ में अपनी लेस आफट जो अपनी लेस आफट होती है इसको भी चेक कर ले। तो देखो हमने चेंजर इसके अंदर फिट कर दिया है। और दोस्तों, जो हमारा नीचे लेस आफट जिसके अंदर फिट हो रही है, उस बैरिंग का नंबर होता है 6205। आपने ये बैरिंग जरूर चेक करना है, कभी आपका बैरिंग में प्ले हो तो आपने इसको भी चेंज करना है। और दोस्तों, साथ में अपने अपनी गाड़ी का जो टॉप गियर होता है उसको चेक कर ले अच्छे तरीके से, कहीं टॉप गियर कटा तो नहीं है। और हम इस गाड़ी में जो टॉप गियर यूज कर रहे हैं, वो NP कंपनी का यूज कर रहे हैं भाई। और साथ में अपने गुच्छे को चेक करना अच्छे तरीके से, क्या होता है इस गुच्छे के दांदे चले जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी गियर फेंकने लग जाएगी। उसके बाद हमने जो ये गुच्छे का बुश चेंज करना भाई, और इसके बाद इसको डाल करके अच्छे तरीके से देख ले कि फरी है के फरी है या नहीं है। उसके बाद हमने टॉप गियर को अंदर डालना है और इस तरीके से गुच्छे को घुमा करके चेक कर ले कि सही ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, दांदे सेम होने चाहिए। उसके बाद सेकंड गियर को चेक करेंगे हम। देखो इस तरीके से, इसके बाद जैसे गियर लगा दिया, अब गियर में है गाड़ी। उसके बाद हमने तीसरे गियर को भी इसी तरीके से डालना इसके अंदर। तो गाड़ी गियर भगाएगी। तो दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना भाई, ये गाड़ी न्यूट्रल है। अब हम इसके अंदर चौथा गियर डालेंगे और इस गियर का फेस इस तरफ होगा, न्यूट्रल है। अब ये गाड़ी हमने इसके अंदर चारों गरारियों को फिट कर दिया भाई, जो हमारे गियर होते हैं। उसके बाद हम लेस आफट का बुश भी चेंज करेंगे ऊपर वाला, और जो हमारी प्लेट होती है 6000 की प्लेट होती है, इसका ये बैरिंग देखो भाई, इसका बैरिंग में कितनी प्ले है, बैरिंग चलेगा नहीं। अब इसमें हम नया बैरिंग डालेंगे। आपने भी इस बैरिंग को जरूर चेक करना है, और अपने बुश को भी जब भी काम करवाए भाई, अच्छा काम करवाए, हर पार्ट को अच्छे तरीके से साफ करके उसको चेंज करवा लें। उसके बाद दोस्तों, हमने अपना लॉक निकाल लेना, 6000 की प्लेट होती है उसका, और बैरिंग डाल देंगे हम। आपने अच्छा बैरिंग यूज करना भाई, चाहे वो डिस्पोजल हो या फिर SKF NBC इन कंपनी का बैरिंग हो।
अगर दोस्तों आपने चेक करना है हमारी गाड़ी का चेंजर जो हमने डाला वो अच्छे तरीके से डला या नहीं डला, तो आप ऐसे करेंगे, देखो इस तरीके से अगर हमने गुच्छे को इस तरफ करा तो देखो ये भी ये भी ये भी यहाँ पर मिल चुका है। अब हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये भी यहाँ पर अच्छे तरीके से मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गाड़ी गियर नहीं फेंकेगी। और यहाँ पर हमने 6000 प्लेट का बैरिंग डाल दिया भाई इस तरीके से। आपने भाई कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना, आपके कमेंट का सीधा रिप्लाई दिया जाएगा, हमें सोल्यूशन भी किया जाएगा। और साथ में हमारा नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर लें। और कुछ भी चीज़ पूछनी हो भाई आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। और सीखना हो तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जावे। बैरिंग डालने के बाद भाई आपने लॉक डाल लेना। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्लेट डालोगे ना, जब यहाँ पर सिम डाल लेना भाई, और इसके बाद सिम डालने के बाद इस तरीके से आपने प्ले चेक करनी है कि प्ले होनी चाहिए तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे स्टड होते हैं इस प्लेट के, इन नटों को टाइट करके भी एक तरीका होता है जिस तरीके से हमें पता लग जाए कि हमारी 6000 की प्लेट सही डली है नहीं डली है, कितना गैप इसे चाहिए था और कितना हमें इसके अंदर देना है गैप, सिम देनी है मतलब। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ये दोस्तों 11 नंबर के स्टड होते हैं भाई, इनको आपने 11 नंबर की ही डिवरी लगानी है, अदरवाइज कोई डिवरी लगानी। और इनके अंदर जो वार्सल होती है वो 11 नंबर की ही स्प्रिंग वार्सल आप यूज़ करोगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप रेगुलर बने रहें क्योंकि हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं वो जेन्युइन फॉल्ट होता गाड़ी में, उस जेन्युइन फॉल्ट की ही वीडियो लेकर आते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती है। जो अभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं और साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में रिकॉर्ड की जाती है वीडियो और वॉइस बाद में होती हो। तो आप हमारे चैनल पर जेन्युइन अपने ऑटो की रिपेयरिंग्स वीडियो देखने के लिए आप रेगुलर बने रहे भाई। ये नट अच्छे तरीके से टाइट करके यहाँ पर प्ले चेक कर ले भाई, कितनी प्ले होनी चाहिए यहाँ पर, थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए, बस हल्की सी ही प्ले चलेगी यहाँ पर, ज़्यादा लूज होगी तो आपने यहाँ पर और सिम देनी पड़ेगी, अगर टाइट होगा तो आपने सिम निकालनी पड़ेगी भाई। तो ये 6004 की प्लेट जो होती है बैरिंग की वो हमने फिट कर दी है। इसके बाद यहाँ पर गुच्छे की सिम आएंगी, इसके अंदर पहले 2 सिम थी, अदरवाइज कोई सिम आएगी तो इसमें डाल करके हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हमने अपना कटोरा सेट इसके अंदर फिट कर देना भाई, देखो इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने जो गुच्छा नट होता है उसके अंदर ये डेबरी, गुच्छे की स्पेशल डेबरी आती है, इसको फिट कर दे अच्छे तरीके से। तो देखो दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया, जो अपने गुच्छा नट होता है इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना। तो दोस्तों आपने एमके कंपनी की क्लच प्लेट यूज करनी है और सूरी स्प्रिंग, सूरी कंपनी के स्पेशल FLI के स्प्रिंग आते हैं, इनको यूज करना है और आपने नया ही लॉक यूज करना है इसके अंदर। इस तरीके से आप स्प्रिंग फिट कर ले। तो दोस्तों इस तरीके से आपने स्प्रिंग इसके अंदर फिट कर देने हैं भाई। उसके बाद देखो हमने जो ये छतरी होती है इस गाड़ी के अंदर, वो छतरी हमने लगा दी है। इसके बाद हम इसमें क्लच प्लेट, तो आपने अपनी गाड़ी की स्प्रिंग के ऊपर छतरी इस तरीके से लगानी है। और उसके बाद हमारे जो स्प्रिंग होते हैं उनको इस तरीके से पेचकस से सीधा कर ले भाई, पूरा होल अंदर की तरफ दिखना चाहिए। और उसके बाद हमने पहली क्लच प्लेट डाल दी है। इस गाड़ी के अंदर 5 क्लच प्लेट आती है, उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट डलेगी, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट डलेगी, देखो इस तरीके से, फिर क्लच प्लेट डलेगी, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट और फिर प्रेशर प्लेट डलेगी एक। उसके बाद फिर हमने एक क्लच प्लेट और फिर हमारी आएगी टॉप प्लेट। तो दोस्तों 5 तो हमारी क्लच प्लेट होती हैं और 5 प्रेशर प्लेट होती है और उसके बाद आते हैं टॉप प्लेट की। और आपने इस तरीके से हमारा एक क्लच कूलर है जिससे हम क्लच प्लेट डालते हैं भाई, देखो इस तरीके से हम इसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं, इसको फिट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अच्छे तरीके से अपनी क्लच प्लेट को एक बार इसके अंदर फिट कर देना और यहाँ से हम इस नट को टाइट करते रहेंगे, ये अंदर की तरफ जाता रहेगा। और इस तरीके से आपने लॉक फिट करना भाई। तो दोस्तों इस तरीके से आपने लॉक फिट करना और उसके बाद पेचकस से क्लच प्लेट को ऊपर नीचे कर ले भाई। अगर दोस्तों आपकी क्लच प्लेट के अंदर जब आप इसको फिट करते हैं तो गैप दिखाई देता है तो आपने क्या करना है, एक प्रेशर प्लेट इस गाड़ी की बढ़ा देनी है भाई,
जिससे क्या होगा, गाड़ी को जितना गैप चाहिए था क्लच प्लेट को उतना गैप इसका पूरा हो जाएगा और गाड़ी का पिकअप बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अगर आपने अपनी गाड़ी का पिकअप बनाना है तो इस गाड़ी, अगर दोस्तों आपने क्लच प्लेट का पिकअप जबरदस्त बनाना है और अपनी क्लच प्लेट अच्छे समय तक लंबे समय तक चलानी है तो आपने अपनी प्रेशर प्लेट बढ़ा देनी है इसमें, जिससे क्या होगा आपकी गाड़ी का पिकअप भी अच्छा बनेगा और क्लच प्लेट स्लप भी नहीं होगी भाई। तो इस वीडियो का मेन थीम यही था, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जब भी अपनी क्लच प्लेट डालेंगे लॉक नया ही यूज करेंगे और लॉक को अच्छे तरीके से फिट करेंगे, क्योंकि कई काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा लॉक निकल जाता है। वो क्यों निकलता है? तो दोस्तों अपना लॉक डालोगे आप जब भी तो आपने लॉक को देखो इस तरीके से कट में फिट करना भाई, और अपने स्प्रिंगों को और पेचकस से सेट कर देंगे स्प्रिंगों को। और ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल से रेगुलर जुड़े रहे, भी कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।